और फेराडे लॉक। फाइनली हम लोगों ने 9 यूनिट्स खत्म कर ली हैं और हम आ गए हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पे, हमारी प्लेज की सबसे लास्ट यूनिट EMI एंड AC। आगे बढ़ने के पहले हम सबसे पहले समझेंगे मैग्नेटिक फ्लक्स को और फैराडेज लॉ को, जो कि इस यूनिट का बेस है। तो मैग्नेटिक फ्लक्स होता क्या है एक्चुअली में, अगर हम देखें तो मैग्नेट से लाइंस निकल रही होती हैं, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होती हैं आउटसाइड भी और इनसाइड भी, क्योंकि क्लोज लूप बनती है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की। तो जब हम किसी मैग्नेट को किसी एरिया के पास लेकर आते हैं तो उससे ज्यादा लाइंस पास होंगी, दूर लेके जाएंगे तो कम पास होंगी। तो अब मैं कैसे बताऊं कितनी लाइंस पास हो रही है, तो उसके लिए हमने एक नई फिजिकल क्वांटिटी बना ली और उस फिजिकल क्वांटिटी को हमने कहा मैग्नेटिक फ्लक्स। तो मैग्नेटिक फ्लक्स क्या होता है, नंबर ऑफ मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस नॉर्मली पासिंग थ्रू अ गिवन सरफेस। जो भी हमारे पास सरफेस है उससे नॉर्मली जितनी भी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पास हो रही हैं वो कहलाती है उसकी मैग्नेटिक फ्लक्स। तो अगर मैं देखूं तो इसको हम फाई से रिप्रेजेंट करेंगे, फाई एम लिख सकते हो, अगर कन्फ्यूजन हो रहा है तो फाई ई भी लिख सकते हैं। फाई ई हम लिखते हैं इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक फ्लक्स के लिए, फाई ई लिखते हैं हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स के लिए, फाई एम लिखते हैं हम मैग्नेटिक फ्लक्स के लिए। तो फाई इज इक्वल टू हो गया मेरे पास बी इंटू ए। बी इंटू ए क्यों हुआ, तो देखो भाई अगर एरिया बड़ा होगा तो ज्यादा फील्ड लाइन्स आएंगी ऑब्वियसली, तो नंबर ऑफ मैग्नेटिक लाइन्स ऑफ फोर्सेस बढ़ जाएंगी, मतलब फ्लक्स बढ़ जाएगा। और मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी या मैग्नेटिक इंडक्शन या मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ अगर बी ज्यादा हुआ तो उस केस में क्या होगा, ज्यादा लाइन्स पास हैं तो वो इसमें से पास होती चली जाएंगी हमारे सरफेस एरिया से। तो ज्यादा पास पास होंगी तो ज्यादा लाइंस जाएंगी, इसीलिए जो मैग्नेटिक फ्लक्स है वो है हमारे पास बी इंटू ए। प्रोपोर्शनैलिटी हटाएंगे तो कांस्टेंट आ जाएगा, उसको वन ले लेंगे तो मैग्नेटिक फ्लक्स का फॉर्मूला आ गया बी ए। इलेक्ट्रिक फ्लक्स का फॉर्मूला था ई ए और मैग्नेटिक फ्लक्स का हो गया बी ए। नाउ अगर मेरे पास मैग्नेटिक फील्ड और एरिया वेक्टर, एरिया इज अ वेक्टर क्वांटिटी, 4-5 बार बोल चुका हूं, अगर मैग्नेटिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच में एंगल थीटा है, मतलब कि फील्ड किसी और डायरेक्शन में है और जो सरफेस है उसका एरिया वेक्टर, एरिया वेक्टर क्या, सरफेस के परपेंडिकुलर, सरफेस के परपेंडिकुलर जो एरिया वेक्टर है वो अलग डायरेक्शन में है, तो इस केस में हम लोगों को वो कंपोनेंट चाहिए ना जो नॉर्मल हो। देखो गौर से, जब प्लेन जो होता है उससे नंबर ऑफ लाइंस जो नॉर्मली पास हो रही है, मतलब परपेंडिकुलर पास हो रही है, वो है ना मैग्नेटिक फ्लक्स। तो एरिया वेक्टर और बी दोनों सेम डायरेक्शन में हो गए ना, क्योंकि फील्ड भी परपेंडिकुलर और एरिया वेक्टर भी सरफेस के परपेंडिकुलर। तो यहां पर इस एरिया वेक्टर को हम रिजॉल्व करेंगे, आपको बताया है मैंने थीटा वाली साइड पर कॉस, उसके परपेंडिकुलर साइन, तो हमें कौन सा कंपोनेंट चाहिए था, कॉस वाला जो कि मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में है। आप चाहो तो मैग्नेटिक फील्ड को भी रिजॉल्व कर दो, बी का कॉस कॉम्पोनेंट इधर आएगा, साइन परपेंडिकुलर हो जाएगा, तो मेरे पास जो मैग्नेटिक फ्लक्स आएगी वो आएगी बी ए कॉस थीटा। और ये फॉर्मूला तब लगेगा जब B और A के बीच में एंगल होता है। अगर मैं बीच में देखूं तो ये एरिया वेक्टर है, B भी वेक्टर है, मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी वेक्टर है, एरिया वेक्टर है और ये कॉस थीटा है, दो वेक्टर A वेक्टर डॉट B वेक्टर इज इक्वल टू क्या होता है, AB कॉस थीटा। तो यहां पर आ जाएगा फाई इज इक्वल टू B वेक्टर डॉट A वेक्टर। तो ये मेरे पास डॉट प्रोडक्ट है और यहां से खुशखबरी निकल के आ रही है और वो खुशखबरी ये है कि मैग्नेटिक फ्लक्स इज अ स्केलर क्वांटिटी, क्योंकि ये तो डॉट प्रोडक्ट है। आ जाते हैं इस पर, मैग्नेटिक फ्लक्स इज अ स्केलर क्वांटिटी। यूनिट ऐसा यूनिट मैग्नेटिक फ्लक्स की वेबर, वेबर क्या होगा, बी की यूनिट होती है टेस्ला, एरिया की यूनिट होती है मीटर स्क्वायर, तो फाई की यूनिट हो जाएगी टेस्ला इनटू मीटर स्क्वायर व्हिच इज वेबर, एंड सीजीएस यूनिट हो जाएगी मेरे पास मैक्सवेल जो कि होगी गॉस इनटू सेंटीमीटर स्क्वायर। तो गॉस इनटू सेंटीमीटर स्क्वायर बन गया मैक्सवेल, टेस्ला इनटू मीटर स्क्वायर बन गया वेबर, और फाइनली मेरे पास मैग्नेटिक फ्लक्स को मैंने समझ लिया। बट अभी पिक्चर बाकी है मेरे दोस्त, क्यों, क्योंकि अगर मेरा एरिया वेरिएबल हुआ तो क्या फॉर्मूला यूज करूंगा वो भी देख लेते हैं और फिर बढ़ेंगे हम लोग फैराडे लॉ की तरफ। तो पहले जल्दी से नोट कर लो।
तो अगर मेरे पास कोई रेगुलर स्ट्रक्चर नहीं है, रेगुलर सरफेस नहीं दिख रही है, फिर मुझे डायरेक्ट सरफेस एरिया मिलेगा नहीं, तो मैंने क्या किया, एक बहुत छोटा सा एलिमेंट मान लिया ds, और मैग्नेटिक फील्ड के साथ अगर ये एलिमेंट थीटा एंगल बना रहा है तो मैं बी डॉट डी एस लिख सकता हूँ, ओपन करूंगा तो कॉस थीटा आ जाएगा। तो बी डॉट डी एस क्यों, क्योंकि सरफेस एरिया बहुत छोटा सा एलिमेंट लिया है, वेरिएबल था इसीलिए, और बी मेरे पास मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ है, तो ये हो जाएगा डी फाई इज इक्वल टू बी डॉट डी एस, और हमें तो पूरी फ्लक्स चाहिए भाई, तो मैं तो इसको इंटीग्रेट करने वाला हूं, तो इंटीग्रेशन डी फाई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन बी डॉट डी एस, फाई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन बी डॉट डी एस, ये आ गया मेरे पास मैग्नेटिक फ्लक्स का फॉर्मूला, विच इज इंटीग्रेशन बी डॉट डी एस। खत्म कहानी फ्लक्स की। अब बढ़ते हैं हम लोग फैराडेज लॉ की तरफ, जब तक इसको नोट कर लो। तो बढ़ते हैं फैराडे के लॉ की तरफ, जहां पर हमने मैग्नेटिक फ्लक्स का यूज किया था, इस टर्म का हम यूज करेंगे और फैराडेज लॉ का स्टेटमेंट देंगे। अब मेरे पास फर्स्ट लॉ है, फर्स्ट लॉ की बात करूं, वैसे तो दो लॉज हैं, बट हम क्या करते हैं जनरली एग्जाम में, अगर उन्होंने बोला नहीं फैराडे लॉ लिखिए, तो आप दोनों को कंबाइन कर देंगे, ठीक, अभी मैं सिखाता हूं वो भी। तो फैराडे का फर्स्ट लॉ क्या कहता है, फैराडेज फर्स्ट लॉ स्टेट्स दैट व्हेनेवर देयर इज चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स देयर इज ऑलवेज एन इंड्यूस्ड ईएमएफ। मतलब अगर किसी भी मटीरियल, किसी भी कंडक्टर, किसी भी कॉइल, किसी भी थिक कंडक्टर के अंदर से मैग्नेटिक फ्लक्स बदलेगी तो उसके अंदर ईएमएफ इंड्यूस हो जाएगा। इसीलिए तो जब किसी कॉइल को घुमाया जाता है किसी मैग्नेट के अंदर, तो उसमें ईएमएफ इंड्यूस हो जाता है। अपन शादी पार्टियों के पीछे जो जनरेटर चल रहा होता है ना, वो यही काम तो कर रहा होता है। टर्बाइंस जिसके अंदर जब कोई कॉइल रोटेट होती है, तो मैग्नेटिक फील्ड में जब कॉइल रोटेट होती है तो ईएमएफ प्रोड्यूस हो जाता है। वो बेसिकली इसी लॉ के कारण है कि व्हेनेवर देयर इज चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स देयर इज ऑलवेज एन इंड्यूस्ड ईएमएफ, ठीक है। इसके बाद हमारे पास आता है, एंड वन मोर थिंग, ये जो ईएमएफ है इट एग्जिस्ट एज लॉन्ग एज देयर इज चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स। मतलब ऐसा नहीं होगा कि एक बार घुमा दिया था तो अब इंड्यूस होता रहेगा, ऐसा नहीं है। जब तक कॉइल रोटेट होगी तभी तक ईएमएफ इंड्यूस होगा। सो व्हेनेवर देयर इज चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स देयर इज ऑलवेज एन इंड्यूस्ड ईएमएफ एंड इट एग्जिस्ट एज लॉन्ग एज देयर इज चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स। ये लाइन लिखना जरूरी है। तो फर्स्ट लॉ मेरा कंप्लीट हुआ। अब आ जाता हूं मैं सेकंड लॉ, बट सेकंड के पहले एक बात और, जब आप इंड्यूस करेंगे, जब ईएमएफ इंड्यूस होने वाला है तो उसकी कुछ ना कुछ डायरेक्शन होगी ना, तो इसीलिए यहां पर आ गए पिक्चर में इन बिटवीन फर्स्ट एंड सेकंड लेंज लॉ। लेंज ने क्या कहा, बहुत इंपॉर्टेंट लॉ है भाई। लेंज ने क्या कहा, लेंज ने हमसे ये कहा कि जो डायरेक्शन होगी इंड्यूस ईएमएफ की वो अपने कॉज का अपोज करेगी। मतलब द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस ईएमएफ इज सच दैट इट ऑलवेज अपोजेस द कॉज बिकॉज ऑफ विच इट इज जनरेटेड। जिसके कारण जनरेट हो रहा है ईएमएफ उस कॉज का वो अपोज करेगा। बात समझ में नहीं आ रही, बार बार क्यों बोल रहे हैं बाबा जी, बात को समझ लेते हैं। ये मेरे पास है नॉर्थ, ये मेरे पास है साउथ, और ये मेरे पास है कॉइल। अब अगर मैं नॉर्थ को तेजी से पास लेके आ रहा हूं, जब मैं नॉर्थ को तेजी से पास लेके आऊंगा तो नॉर्थ पास आ रहा है जिसकी वजह से इसकी फ्लक्स बदल रही है, बढ़ रही है। तो कॉज क्या है, क्या कारण है, लेंज ने कहा था कॉज का अपोज करेगा, तो कॉज है इस समय नॉर्थ का पास आना। मतलब नॉर्थ पोल इस कॉइल के पास आ रहा है, और हमने ये पढ़ा है कि अगर एंटी क्लॉकवाइज करंट है तो नॉर्थ पोल की तरह बिहेव करेगा वो साइड, और अगर क्लॉकवाइज है तो साउथ की तरह बिहेव करेगा। मतलब जैसे ये अगर मैं अपनी साइड से देखूं तो मुझे ये क्लॉकवाइज दिख रहा है, बट आपको इस समय एंटी क्लॉकवाइज दिख रहा है, तो आपकी साइड से नॉर्थ है, मेरी साइड से साउथ है। इसीलिए तो कहते हैं मोनोपोल डज नॉट एग्जिस्ट, हमेशा होंगे तो डायपोल ही होंगे, एक साइड नॉर्थ एक साइड साउथ। तो यहां पर कॉज क्या है, नॉर्थ का पास आना। तो ये कॉइल बोलेगी नॉर्थ पास मत आओ,
Again, the EMF induced in this will be in such a direction, having such direction, which will oppose the cause. यानी ये EMF इस cause का oppose करेगा. Pass क्या आ रहा है? North. तो इसमें induce हो जाएगा इस तरफ North. मतलब इस side से देखेंगे तो anti-clockwise, क्योंकि anti-clockwise है तो North, और North ही North को repel करेगा. एक और example लेते हैं. मुझसे कहा गया इस coil में direction निकालिए आप, किस डायरेक्शन में करंट फ्लो होगा. मैंने कहा ठीक है. तो उसने कहा रीजन है क्या? नॉर्थ दूर जा रहा है. तो नॉर्थ इज गोइंग अवे. तो ये बोलेगा नॉर्थ दूर मत जाओ. नॉर्थ दूर मत जाओ मतलब कॉज क्या है? नॉर्थ का दूर जाना. तो दूर मत जाओ मतलब पास आओ, मतलब रुक जाओ, अट्रैक्ट करना पड़ेगा. अट्रैक्ट करोगे तो नॉर्थ को अट्रैक्ट कौन करेगा? साउथ करेगा. यानी कि सिंपल सा लॉजिक बना, इस साइड से साउथ मतलब क्लॉकवाइज, तो इसमें करंट आ जाएगा क्लॉकवाइज, इसमें करंट आ जाएगा दूसरी साइड से देखोगे तो एंटी क्लॉकवाइज, बट हमें तो यहां से देखना है तो भैया क्लॉकवाइज. इसी तरह से आप ऐसा भी कर सकते हो कि नॉर्थ साउथ पास आ रहा है. अब अगर साउथ पास आ रहा है तो कॉज क्या होता आप बताओ? कॉज होता साउथ का पास आना. तो ये बोलता मैं साउथ को पास नहीं आने दूंगा. कब नहीं आने दूंगा? जब ये उसको रिपेल करेगा. रिपेल कब करेगा? जब ये वाली साइड साउथ बन जाए, मतलब क्लॉकवाइज. अभी तो अपन ने दूसरा एग्जांपल लिया था, मैं एग्जांपल बता रहा हूं. तो लेंज ने ये कहा था द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस ईएमएफ इज सच दैट इट ऑलवेज अपोजेस द कॉज बिकॉज ऑफ विच इट इज जनरेटेड. कॉज जो भी है उसका अपोज करना है. नॉर्थ पास आ रहा है, नॉर्थ पास मत आओ, मतलब एंटी क्लॉकवाइज बन जाएगा सामने में, ताकि नॉर्थ आ जाए, नॉर्थ नॉर्थ को रिपेल करे. नॉर्थ दूर जा रहा है, नॉर्थ दूर मत जाओ, मतलब वो वाली साइड साउथ बन जाएगी. साउथ मतलब क्लॉकवाइज. अगर साउथ पास आ रहा है, साउथ पास मत आओ, मतलब वो वाली साइड साउथ बनेगी, मतलब क्लॉकवाइज करंट आएगा. क्लॉकवाइज करंट मतलब साउथ, ताकि रिपेल कर सके. साउथ दूर जा रहा है, साउथ दूर मत जाओ, यानी वो वाली साइड कॉइल की नॉर्थ बन जाएगी. नॉर्थ मतलब एंटी क्लॉकवाइज. कितना आसान है यार ये लॉजिक. अब आते हैं हम सेकेंड लॉ की तरफ. सेकेंड लॉ बड़ा काम का है, क्योंकि यहां से हम आगे बढ़ेंगे, कुछ मोशनल ईएमएफ के फॉर्मूले ड्राइव करेंगे, जब हम सेल्फ इंडक्टेंस पढ़ेंगे, जब हम म्यूचुअल इंडक्टेंस पढ़ेंगे, तो ये फॉर्मूला बड़ा काम आने वाला है. तो सेकेंड लॉ में ये बात हुई कि भाई पहले लॉ में आपने ये बता दिया कि जब भी फ्लक्स बदलेगा तो ईएमएफ इंड्यूस होगा. फिर आपने बताया डायरेक्शन क्या होती है. अब कितना ईएमएफ आया वैल्यू दो भाई हमको. हमने कहा ठीक है वैल्यू दे देते हैं आपको. तो मैग्नीट्यूड ऑफ इंड्यूस ईएमएफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स. फिर से द मैग्नीट्यूड ऑफ इंड्यूस ईएमएफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स. मतलब अगर तेजी से मैग्नेट को पास ला रहे हो तो जल्दी से फ्लक्स बदलेगी, मतलब ईएमएफ इंड्यूस ज्यादा होगा. अगर धीरे धीरे पास ला रहे हो या धीरे धीरे दूर ले जा रहे हो, दोनों केसेस में चेंज बहुत कम होगा. जब चेंज बहुत कम होगा तो ईएमएफ इंड्यूस भी बहुत कम होगा. तो अगर आप कॉइल को तेजी से घुमाओगे ईएमएफ ज्यादा इंड्यूस होगा, स्लोली घुमा रहे हो कम ईएमएफ इंड्यूस होगा. तो ईएमएफ इंड्यूस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स. क्लियर है? तो हमारे पास फर्स्ट लॉ क्लियर हुआ, सेकेंड लॉ हमें क्लियर हुआ, लेंज लॉ क्लियर हुआ. यहां पर लेंज से एक बात और पूछी जाती है, और वो चीज ये पूछी जाती है कि लेंज लॉ इज इन अकॉर्डेंस विद द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी. क्वेश्चन सुनिएगा, लेंज लॉ इज इन अकॉर्डेंस विद द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी. इस स्टेटमेंट को एक्सप्लेन करो. तो भैया क्या लेंज लॉ एनर्जी कंजर्वेशन के अकॉर्डिंग है कि नहीं है? हमने कहा बिल्कुल है. क्यों? क्योंकि देखो आप जब इसको पास ला रहे हो तो ये अपोज कर रहा है उसके पास लाने का, जिसकी वजह से आपको मैकेनिकल वर्क करना पड़ेगा, मुझे फोर्स लगाना पड़ेगा, तब जाके ये मैग्नेट इस कॉइल की तरफ आएगी. तो जब इस कॉइल की तरफ आएगी तभी तो इसमें इलेक्ट्रिकल एनर्जी के फॉर्म में ये एनर्जी आई या ईएमएफ इंड्यूस हुआ. तो द मैकेनिकल वर्क दैट यू आर डूइंग to bring that magnet towards the coil is stored in the form of electrical energy in the coil. Close होगी तो current आएगा, close नहीं होगी तो current नहीं आएगा. समझ में आया? So Lenz law is in accordance with the law of conservation of energy, because whatever the mechanical work that you are doing is stored in the form of electrical energy. और mechanical work आपको इसीलिए करना पड़ रहा है क्योंकि जो induced EMF है वो अपने cause का oppose करता है. और ये बताने वाले कौन थे? ये बताने वाले थे Lenz. तो अगर मेरे exam में आया Faraday law, अब मैं first लिखूं कि second लिखूं, confused हूं, तो confused बिल्कुल मत हो, दोनों को merge कर दो. Whenever there is change in magnetic flux, there is always an induced EMF.
The induced EMF persists or exists as long as there is change in magnetic flux. The magnitude of induced EMF is directly proportional to the rate of change of magnetic flux. That's it. दोनों को मैंने कंबाइन कर दिया, या फिर सेकंड भी लिखता तो भी काम बन जाता. यहां से मेरे पास आ गया इंड्यूस्ड ईएमएफ. बट अब मेरा सर्किट है क्लोज, मुझे निकालना है करंट. तो भाई कोई दिक्कत नहीं है, ईएमएफ आ चुका है, रेजिस्टेंस पता होगा तो आप करंट निकाल दोगे, तो इंड्यूस करंट निकालते हैं. तो अगर मुझसे किसी ने कहा कि आप इंड्यूस करंट कैलकुलेट करके लाइए, तो इंड्यूस करंट हो जाएगा इंड्यूस ईएमएफ अपॉन रेजिस्टेंस. इंड्यूस ईएमएफ माइनस डी फाई बाई डी टी डिवाइडेड बाई आर कर देंगे तो वो मेरे पास आई आ जाएगा. बट अभी भी नहीं मानते हैं, पेपर में कई बार चार्ज निकालने को आ जाता है, तो भाई मैं इंड्यूस चार्ज भी निकाल सकता हूं. आई को क्या लिख देते हैं, डी क्यू बाई डी टी. जैसे ही आई को डी क्यू बाई डी टी लिखा, इस वैल्यू को यहां प्लेस कर दिया, डी टी डी टी गया, dq is equals to minus d phi by r, इंटीग्रेट कर दिया दोनों तरफ, तो q is equal to integration minus d phi by r. जल्दी से पॉज करो और नोट कर लो. तो दिमाग में बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर हो चुका है कि EMI में मैग्नेटिक फ्लक्स क्या होता है, फेराडेज लॉ क्या होता है. अब मैं आपको ये बता सकता हूं कि EMI होता क्या है, क्योंकि मैंने आपको थोड़ा बहुत मैग्नेटिक फ्लक्स के बारे में बता दिया. इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन मतलब आप इलेक्ट्रिसिटी या EMF इंड्यूस करने वाले हो मैग्नेटिक फील्ड के वेरिएशन से या मैग्नेटिक फ्लक्स के वेरिएशन से एसोसिएटेड विद अ कॉइल. तो इसीलिए इसको हम कहते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन. इस वीडियो में इतना ही. जय हो.